ये दिवाली होगी खास। अब की बार महिलाओं ने ये पहल की है। बाराबंकी की महिलाओं के हाथों से बनी बी वैक्स रोल कैंडल अब देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी धमक दिखाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ की बनी रोल कैंडल की मांग केन्या देश तक पहुँच गई है। इस कैंडल की रोशनी से जिले की महिलाओं के जीवन में उजाला आया है, बल्कि महिलाओं को रोजगार का नया अवसर मिला है। महिला समूहों ने 11 लाख दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। बाराबंकी जिले के फतेहपुर में मधुमक्खी वाला ब्रांड शहद उत्पादन प्लांट में राजौरी, चैनपुरवा सहित कई गांव की आजीविका मिशन से जुड़ी करीब 2000 महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। केन्या के प्रस्ताव पर शहद और कैंडल का सैंपल भेजा गया था। सैंपल भी पूरी तरह सफल हुआ। सैंपल सफल होने के बाद एमओयू भी साइन हो गया है। अब जल्द ही ब्रांड शहद और कैंडल केन्या भेजा जाएगा। केन्या ने बाराबंकी से भारी मात्रा में मधुमक्खी वाला ब्रांड शहद और कैंडल की मांग की है। वहीं इस ब्रांड के संस्थापक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 18 से 22 तारीख में पिछले महीने वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था, जिसमें भारत सरकार की तरफ से और उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें वहां पे बुलाया गया था अपने उत्पाद को प्रदर्शन करने के लिए। हमने भारत मंडप में अपने उत्पाद को प्रदर्शन किया, जिसमें बाहर के भी B2B बायर आए थे, जहाँ पर लोगों ने हमारे उत्पाद को देखा और उत्पाद को देखने के बाद लोगों ने उसको पसंद किया और हमें ऑर्डर प्लेस किया। वहाँ पर ना कि इंडिया के भारत के लोग थे, बल्कि केन्या के से भी बायर आए हुए थे, दुबई, सऊदी और अलग अलग देशों से बायर आए हुए थे, जिसमें केन्या देश से हमें शहद और जो बी वैक्स रोल कैंडल है हमारा, वो हमें ऑर्डर उससे मिला। जो ये उत्पाद है, ये मधुमक्खी वाला की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन इसमें सहयोग पूरा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो कि हमारे रजौली गांव, चैनपुरवा गांव की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, उन उत्पादों को उन्होंने पसंद किया और जल्द ही हम वो भेजने वाले हैं। हमारा MOU साइन हो गया है, जो भी पेपर फॉर्मेलिटी वो पूरी हो चुकी है और जल्द ही हम इस पहले खेप को हम दिवाली से पहले वहाँ हम भेज भी सकेंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इस ब्रांड के आने से आर्थिक मदद मिली है। जिले में 150 परिवारों के समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों दीपक बी वैक्स रोल कैंडल बना रही हैं और अच्छी कमाई कर रही हैं। वहीं और क्या कुछ कहा, सुनिए। मधुमक्खी वाले भैया के फार्म पे हम लोग काम करते हैं और दीपक भी बनाते हैं, कैंडल भी बनाते हैं, मोमबत्तियां बनाते हैं और देशों विदेशों में बहुत बिकता है और हमको लोगों को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। हमको यही में बहुत खुशी है और सब महिलाएं मिलकर, लड़कियां मिलकर हम लोग बनाते हैं। हम लोग मधुमक्खी वाले भैया के साथ में काम करते हैं और दीपावली में रोल कैंडल भी बनाते हैं, बी वैक्स रोल कैंडल, और हमारा शहद है मतलब कंपनियों में बिकता है, फैक्ट्रियों में बिकता है और बहुत बहुत दूर दिल्ली है, जैसे दुबई है, सब भी केन्या देश से बड़ा ऑर्डर आया है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। जो हमारे हाथों की बनाई मोमबत्तियां जो सबके घरों में रोशन करेंगी। इस कैंडल और दीपक में कोई भी ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं होगा जो लोगों को नुकसान पहुंचाए और ना ही कोई केमिकल का प्रयोग किया जाएगा, ताकि दीपावली में लोगों को इको फ्रेंडली दीपक जलाने का मौका मिले और प्रदूषण भी कम हो। जेएमडी न्यूज के लिए बाराबंकी से अबू तलहा की रिपोर्ट।